दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आपको फैम पे में ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों काफ़ी सारे लोग इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है और यहां पर दोस्तों अपना यूपी आईडी वो वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं, तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप लोग आसान तरीके से अपना यहाँ पर यूपी आईडी वेरीफाई कर सकते हैं और दोस्तों फैम पे भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना है बिना स्किप किए हुए, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख सकते हैं जैसे यहाँ पर वेरीफाई किया जाता है तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिला, यूपीआई आईडी रीएक्टिवेशन फेल। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम आता क्यों है दोस्तों पहले ये बात कर ले। दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम आप लोग को तब देखने को मिलता है एग्जाम्पल के तौर पर, यहाँ पर दोस्तों आपने जो नंबर दिया है यहाँ पर फैम पे में वो नंबर दोस्तों आप लोग के यहाँ पर मोबाइल में नहीं रहता है, यहाँ पर सिम से इंसर्ट निकल गया रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई करते हैं लेकिन मोबाइल से वो सिम निकाल देते हैं और दोस्तों वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इस तरीके से दोस्तों आप लोग का वेरीफाई नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर जो नंबर आपका यहाँ पर अकाउंट में है यहाँ पर फैम पे के अकाउंट में, वो नंबर दोस्तों आप लोग के मोबाइल में होना चाहिए तभी दोस्तों यहाँ पर आप लोग का वेरीफाई हो पाएगा, वरना दोस्तों यहाँ पर इस तरीके का प्रॉब्लम आप सभी को दोस्तों देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के मोबाइल में रिचार्ज हो, यहाँ पर आप लोग के सिम में रिचार्ज नहीं हुआ, तो दोस्तों इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो आप लोगों को दोस्तों इंश्योर कर लें कि आपके यहाँ पर नंबर पे रिचार्ज है कि नहीं। काफ़ी सालों के यहाँ पर नंबर पे रिचार्ज नहीं रहता और दोस्तों यहाँ पर वो वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं तो दोस्तों उनको वेरीफाई नहीं होता, इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। दोस्तों आप लोग ये भी चेक कर लें कि आपके नंबर पे बैलेंस है कि नहीं है, तो उसके बाद ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश करें, वरना दोस्तों अगर आप लोग वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर वेरीफाई नहीं होगा। और तीसरा ये है कि दोस्तों आप लोग यहाँ पर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट मारना है, देन आप लोग दोस्तों एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं यहाँ पर आप लोग को अनइंस्टॉल करना है, देन आप लोग दोस्तों फिर से इंस्टॉल करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को वेरीफाई करने की कोशिश करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग का आसान तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर बग के कारण भी यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो आप लोग को यहाँ पर एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करना है, देन आप लोग दोस्तों वेरीफाई करना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। तो